एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार से माध्यमिक शिक्षा विभाग की 66वीं जनपदीय माध्यमिक खेलकूद समारोह शुरू हो गया। खेलकूद समारोह का उद्घाटन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने किया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार से माध्यमिक शिक्षा विभाग की 66वां जनपदीय माध्यमिक खेलकूद समारोह शुरू हो गया। खेलकूद समारोह का उद्घाटन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर किया। खेल समारोह में केदारनाथ सेकसरिया बालिका विद्यालय की छात्राओं ने माँ शारदे के चरणों में वंदना गीत पर नृत्य प्रस्तुति दी, जिसे सभी लोगों ने पसंद किया। खेलकूद समारोह उद्घाटन सत्र में एमडी जैन इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्राचीन मलखम खेल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। खेलकूद समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को अच्छे खेल प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। देखिए, आज 66वीं माध्यमिक जनपदीय आगरा की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज रंगारंग उद्घाटन हो रहा है। यद्यपि विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे और सभी हमारे शिक्षक, उनके पीटीआई लोग यहां पर सभी उपस्थित हैं और एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इंद्रदेव जी ने आज यहां पर उनका स्वागत भी कर दिया है बारिश करके। मौसम बहुत सुहाना है और निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स आए हैं, इन 3 दिनों में अपनी प्रतियोगिता का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। दौड़, कूद और फेंक, इन 3 तरह की प्रतियोगिता होती हैं और जो हमारे बच्चे यहाँ आए हैं, ये अपने क्षेत्र के विनर्स हैं। यहाँ से जो जीतेंगे, प्रथम स्थान जो प्राप्त करेंगे, वे स्टेट में प्रतिभाग करेंगे। हमें आशा है ये 3 दिन की प्रतियोगिता बहुत अच्छी तरह संपन्न होगी, प्रदेश में भी ये स्थान प्राप्त करेंगे। खेलकूद समारोह उद्घाटन सत्र का कुशल संचालन डॉक्टर अरुण शर्मा और रनेश मित्तल ने किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।